कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट रहता है तो दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, उनमें जो यूरिन पास आउट होता है, जो यूरिन का रास्ता होता है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर जो यूरिन में ब्लड मिक्स भी हो जाए तो उससे आप सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस। बहुत बार ऐसी कंडीशन रहती है कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एक तरफ तो उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हो गई है और दूसरी तरफ उनको ये भी डाउट रहता है कि उनको प्रेगनेंसी तो नहीं है। जैसे कि कुछ केसेस होती हैं जहां पर महिलाओं को पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जो कि टोटली एबनॉर्मल होती है, और महिलाओं को लगता है कि ये जो ब्लीडिंग है ये प्रेगनेंसी के टाइम होने वाली ब्लीडिंग है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। या फिर कई कपल्स ऐसे होती हैं जो कि एमटीपी किट को खा लेती हैं, जो गर्भपात करने वाली गोलियां होती हैं उनको खा लेते हैं और उनको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर वो कंफर्म करना चाहें कि भाई उनको प्रेगनेंसी ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? या फिर कुछ डाउट ऐसा भी रहता है कि महिलाओं को पीरियड्स तो आ जाते हैं, पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन स्टिल उनको डाउट रहता है कि भाई ये जो ब्लीडिंग है ये उनको वास्तव में पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग है या फिर मिसकैरेज वाली ब्लीडिंग तो नहीं है, ठीक है। या कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट रहता है तो दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि क्या पीरियड्स में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? वेल, इस बात का जो जवाब है आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं ये प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं, जिसे बीटा एसीजी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब किसी महिला को अगर पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू भी हो रही है या फिर मान लीजिए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, और ऐसे टाइम पर अगर आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो टेस्ट करने पर अगर आपके यूरिन में प्रेगनेंसी हार्मोन प्रेजेंट होगा तो आप लोगों का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। उसमें आप लोगों को दो लाइन दिख सकती है, एक हल्की और एक डार्क कलर की, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं होगा तो आप लोगों को उसमें सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उससे ब्लड भी यूरिन में मिक्स हो जाएगा और टेस्ट करने पे आप लोगों को उसमें डबल लाइन शो होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो फीमेल होती हैं उनमें जो यूरिन पास आउट होता है, जो यूरिन का रास्ता होता है वो अलग होता है, और जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो योनि मार्ग से हो रही होती है, जिसका जो रास्ता है वो अलग है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से आता है और जो ब्लीडिंग है वो वजाइनल कैनाल से आ रही होती है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर जो यूरिन में ब्लड मिक्स भी हो जाए तो उससे आप लोगों का जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत यूरिन उसमें मिल भी जाता है तो उसमें आप लोगों को ग्रे लाइन या वाइट कलर की लाइन आ सकती है। अगर आप लोगों का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा, उसमें प्रेगनेंसी हार्मोन की प्रेजेंस होगी, तो आप लोगों को उसमें गुलाबी कलर की लाइन शो होगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि पीरियड्स की ब्लीडिंग के टाइम अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर आप लोगों का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो आप लोगों का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि आप लोग पीरियड्स की ब्लीडिंग के टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।